गया था, हमारी महफिल है, आ जाओ। ए रुको रुको रुको, रबड़ी है बेटा, रबड़ी रबड़ी। अरे यही थी ना जो ठीके लगा रही थी। अरे हाँ यही थी। अरे बुला बुला। अरे मैडम क्या है, हमको भी डांस। हाँ छोड़ मेरा। क्या है बता दीजिए। छोड़ो मेरा से क्या। अरे हमारे आपके पास। छोड़ो। अरे चले। क्या है बता दीजिए। अरे वाह। अरे ले चल इसको। अरे ये क्या बचाएंगे। अरे चुपचाप बैठ। कल्लू चाचा बाहर देखो जरा। बिटवा भेजेगा ना बाहर से, सब चुका देंगे। अरे बुढ़वा बिटवा भेजेगा कब रे भैया जी। हमारी हमारी यकीन कीजिए भैया जी, हम आज ही फोन किए रहे, उसने बोला कि हम जल्दी भेज रहे हैं। कहो छुट्टन भाई, गजब एकदम मस्त मौसम बा है, बहुत डेंजर दिख रहे हो। राम राम, का हाल चाल बा? पायला को भैया, पायला को। ठीक है ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, 24 घंटा नौकरी, एकदम शांति शहर में। वो सुना तो होगा आपने, एक और लौंडिया की लाश मिली है। सुना है तो मतलब पुलिस से कुछ छुपा आका हो चुट्टन है? ये अंगूठी मिली थी लड़की की डेड बॉडी के पास। अब सबूत सामने होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते का? हाँ? का करना है? कितना चाहिए? बहुत बड़ा केस है, धारा 376 302, मतलब बड़ा वाला माल दे दीजिए। एको हमारा तरफ से भी। जोर से मार दिए साले, हमारा खाते हो और हम ही से सौदा कर रहे हो हैं? छुट्टन हाँ, 1 लाख रुपया हमारे इसके मुंह पे है। ले। गजब एकदम कड़क नोट है, पूरा घर भर के रखे हो। एक गिदर भी मार दीजिए 2 लाख हो जाएगा। तलवा चाट लोगे तो हवेली तुम्हारे नाम कर देंगे का? मजाक करते हैं आप भी। चलो फुटो यहाँ से। अब देखिए का है कि पुलिस की नौकरी है तो केस तो बनाना पड़ेगा, कार्यवाही तो करनी पड़ेगी। अगर कोई दुश्मन उश्मन है तो बताइए, पिलवा देंगे। ये बैठा है दुश्मन सामने, 20 लाख रुपया लिया था उधार, अब बोलता है हिसाब गड़बड़ा गया, कछु याद नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको लेके जाओ अंदर डालो, पिछवाड़े पे 4 डंडे मारो, हिसाब भी याद आ जाएगा और नानी भी याद आएगी साथ में। ई का कह रहे मैं बाप, हम कब मना किए हैं? और 2-4 ठोके सोर लो, वो भी डाल दो इसके ऊपर, ले जाओ। हमें काय बजा रहे हैं इस सब में मैं बाप।
हमका माफ कर दो माई बाप, माफ कर दो। यू आर अंडर अरेस्ट साले, हिस्ट्री सीटर भुगतनी। ले जाओ ले जाओ। ये पुलिसिया जो है बड़ा कमीना है लेकिन दुगला है। सबको गंगा किनारे आना है बाबू। कमीना हो चाहे शरीफ हो, गंगा किनारे आना है। 100% की एक बात। और जिसने भी उसको हाथ लगाया वो अब इस दुनिया में नहीं है। कृपा शंकर पांडे, तेरे बेटे को गोली मैंने मारी थी। फिर काशी आना था। आया तो हर्ष था लेकिन तुम लोग रामलाल समझ बैठे और अपने आप राजेश शुक्ला तक पहुंचा दिया। अब तू इसको मारेगा भाई साहब। बाकी ये सब तुझे समझा दूंगा। एक मिनट। अरे सर बैठे। जल्दी मार डाला उसको भी। अब तुम दोनों की बारी है, पर तुम लोगों के लिए एक गोली काफी नहीं है। देखो देखो देखो, ये ठीक नहीं है। तुम हमें पुलिस के हवाले भी तो कर सकते हो। ए भैया, हम सजा काट लेंगे जेल में। हाँ हाँ हाँ। अरे अरे, हमको जेल में। कहाँ जा रहे हो? अरे उधर कहाँ जा? अरे ये नहीं। ए पाणे जी, का हो गया? आपके चक्कर में हुआ सब। अरे ये सब आपके चक्कर में हुआ ही सब। अरे छोड़िए, चुप रहिए आप। अबे चुप रहिए। इस बार बचाए लो, कान पकड़ते हैं। ये पाणे जी का साथ हम जिंदगी भर के लिए छोड़ देंगे। तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे फिर, समझे? बहुत फालतू आदमी है आप। अरे चुप रहो भैया। अरे यार भैया, अरे राम लालो, बचन लालो, कोई लालो। अरे लाल भाई आ जा रे भाई। ये देखिए लौंडा क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे दादा फ्रेगर का कर रहा है तू। अरे अरे खबरदार, अरे इसको खबरदार का बात लगेगा तुझे। खबरदार अरे क्या कर रहा है? अरे दोनों को मार दिया। सुना तो यहीं जाता है। नैना मर गई। फिर उस अमृता का क्या हुआ? अमृता, उसकी एक झूठ ने इस पूरे कहानी को जन्म दिया। बेटी ने क्या बिगाड़ा है तेरा?
गोली मत चला। अमृता यानी तूने उसकी मदद की, इसलिए तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा मर्डर नहीं किया है मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद राजेंद्र झा। अबे मैडम को चाय कॉफी पिलाया कि नहीं? हाँ वो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि ये हर्ष कौन है? हर्ष मैडम वो नैना रेप और मर्डर केस में डेड बॉडी की शिनाख्त करने आया था, लेकिन गजब है उसने तो डेड बॉडी को पहचानने से इनकार कर दिया। मैडम जी अगली गोली आपको लग सकती है, खोल दो। जो सुनाया सब सुनाया। अरे मैडम जी बोला था ना आपको कि गोली चलने लगेगी, खोलो खोल दो मैडम जी। चलो खोलो 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 खोलो। अपनी पिस्तौल रख लो मैडम जी, अलविदा। एक मिनट, ये रामलाल कौन था? रामलाल आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, बाबूलाल का बेटा रामलाल काशी में, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। क्या हो रामलाल? भाई साहब मैं रामलाल नहीं हूँ, मेरा नाम रामलाल है। सब मैं रामलाल नहीं हूँ। क्या हो रामलाल? मैं हाथ जोड़ के बोलूँ कि मैं रामलाल नहीं हूँ। राजन, रमेश, अंशियाम, रामलाल, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, बाबूलाल का बेटा रामलाल काशी में, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। क्या हो रामलाल? भाई साहब मैं रामलाल नहीं हूँ, मेरा नाम नाम क्या है? रामलाल मेरा मतलब मेरा नाम हर्ष है। तो ये रामलाल कौन है? रामलाल मुझे भी नहीं पता ये रामलाल कौन है। क्या हो रामलाल? अच्छा मैं रामलाल नहीं हूँ। क्या हो रामलाल? सर मेरा नाम रामलाल, मेरे बाबा बाबूलाल। जेल में बाबूलाल के साथ साथ हर्ष की मुलाकात बाबूलाल के बेटे रामलाल से भी हो गई, उसके बाद हर्ष बन गया रामलाल। बाबूलाल ने कृपा शंकर से 20 लाख रुपए लिए थे अपने बेटे के पढ़ाई के लिए। चलते हैं। और हाँ मैडम एक और बात, रही बात आपके आने की, तो आप अपनी मर्जी से नहीं हमारी मर्जी से यहाँ आई हैं। बीच राह में टायर का पंक्चर होना, आपका मुझे इस ढाबे पे लाना, इत्तेफाक है। हाय मैडम जी। बाबूजी